जय भीम इंडिया पर मैं पल्लवी डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे ही, लेकिन नजर डालते आज की मुख्य सुर्खियों पर। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कुमारी बहन मायावती ने रविवार को नागपुर में की शिरकत। सभा के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। विदर्भ राज्य की मांग के लिए सोमवार को नागपुर के विदर्भ बंद का ऐलान। विदर्भवादियों ने किया जमकर हंगामा। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों ने विधान परिषद में किया जमकर हंगामा। शीत सत्र के पहले दिन किसानों के मुद्दों पर निकाला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती रविवार को नागपुर पहुंची थी। इस दौरान कस्तूरचंद पार्क मैदान पर एक सभा के दौरान मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा सरकार को धर्म परिवर्तन करने की धमकी दे डाली। बसपा प्रमुख को सुनने के लिए बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नागपुर पहुँचे थे। अपने खासकर आरएसएस के हिंदुत्ववादी व पूंजीवादी एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के तहत चलकर पूरे देश में यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों आदि का हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न किया है, जो अभी तक भी लगातार जारी है। और दलितों के मामले में तो इन्होंने शुरू से ही अपने इसी एजेंडे को आगे रखकर पहले हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड कराया, और फिर इसके बाद इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कुछ दिन बाद ही वहां महाराणा प्रताप की हुई जयंती के मौके पर जुलूस निकालने की एक मामूली सी बात को लेकर वह उसकी आड़ में वहाँ जानबूझकर दलितों का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि कराया है, जिसका पर्दाफाश करने व जनहित से जुड़े कुछ अन्य और जरूरी मुद्दों पर भी जब मैंने राज्यसभा के नियमों के तहत चलकर सदन में अपनी बात रखनी शुरू की, तो तब फिर सदन में खासकर बीजेपी वे सत्ता पक्ष के लोगों ने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही तो विशेषकर तो सहारनपुर जिले के सबीरपुर गांव में हुए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर मुझे इन्होंने वहां अपनी पूरी बात को भी सही ढंग से नहीं रखने दिया था, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए ही फिर मैंने ये सोचकर अपने राज्यसभा के पद से उसी दिन अर्थात दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को ही तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर अर्थात संसद के अंदर भी अपने देश के खासकर दुखी व पीड़ित एवं कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ अपनी पूरी बात भी सही ढंग से नहीं रख सकती हूँ, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में मेरे लिए अब यहाँ राज्यसभा में बने रहने का कोई खास औचित्य नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उसी दिन मैंने ये भी फैसला लिया था कि अब मुझे पूरे देश में एक ध्यान होकर जहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों,
व्यापारियों आदि सभी लोगों को बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली के बारे में इन्हें जागरूक व तैयार करके फिर इनके जरिए यहाँ सभी जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। मृतक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर सोमवार को नागपुर में विदर्भवादियों ने विदर्भ बंद का ऐलान किया था, जहां शीत सत्र के पहले दिन विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विदर्भवादियों ने जमकर हंगामा किया, जहां कुछ जगह पर बस की तोड़फोड़ की गई, तो किसी जगह विदर्भवादियों ने जबरन दुकान बंद कराए। पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर सोमवार को नागपुर में विदर्भवादियों ने अपना प्रदर्शन किया, जहां विदर्भ बंद का नारा देते हुए विदर्भवादियों ने वैरायटी चौक पर मोर्चा निकालकर कुछ दुकानों को जबरन बंद कराया, जिसका नेतृत्व राम नेवले ने किया। वही विदर्भ बंद के चलते कुछ विदर्भवादियों ने हिंसा का सहारा लेकर कुछ बसेस पर पथराव किए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हुई। वही कुछ जगहों की बात छोड़े तो अन्य जगहों पर विदर्भ राज्य का आंदोलन शांतिपूर्वक रहा। शीत सत्र के पहले दिन से ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक ने विधान परिसर में हंगामा किया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। सोमवार से नागपुर में शुरू हुए शीत सत्र के पहले दिन भाजपा शिवसेना सरकार पर विरोधी पक्ष ने जमकर विरोध किया। सुबह नागपुर के विधान भवन पर सुबह से ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक ने विधान परिसर के भीतर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जबकि शीत सत्र के पहले दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर बाहर से मोर्चा निकालकर सत्ताधारियों को आड़े हाथों लिया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नागपुर में शीत सत्र के पहले दिन विधान भवन पर मोर्चे ने दस्तक दी। धनगर समाज ने आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर हल्ला बोल मोर्चा निकाला, तो वही आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी, व्यक्तिगत छुट्टियां जैसी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधान भवन पहुंचे थे। 1978 ला ये योजना नागपुर शहर में चालू हुई, तब से हम देख रहे 50 साल हो गए, लेकिन मानदन में मुंगी जैसे हालचाल करके शासन हमको मानदन दे रहा है। इतना बड़ा कार्य, महान कार्य आंगनवाड़ी सेविका मदतनीश कर रही है, रात दिन अल्प वेतन में अपना योगदान दे रही है, लेकिन सरकार को इस बात की कोई जान नहीं। हमने 1 महीना आंदोलन किया, 26 दिवस आंदोलन किया, बहुत बार आंदोलन किया। जब जब यहाँ पर विधान भवन में हम आते थे, तब तब हमने आंदोलन किया, लेकिन सरकार को अभी भी हमारे काम का मूल्यमापन आया नहीं है, और वो जताने के लिए हमने आज के तारीख में ये पहला मोर्चा निकाला है, और हमारा जो पथक है वो मिलने के लिए अंदर गया है, और हम उस अंदर जाके जो निवेदन देने वाले हैं उसमें मानदन की वाढ़ होनी चाहिए, हमको कुछ छुट्टियों की सहूलत होनी चाहिए। हमको हर महीने में मानदन मिलता ही नहीं है, 3-3, 4-4 महीने के बाद मानदन मिलता है, तो जो गरीब लड़कियां यहाँ पर काम करती है महिलाएं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो सरकार को हमको कहना है, जो भी आप दे रहे हैं वो रेगुलर पद्धति से दिया करो, और हमारे जो काम करने वाली महिला है उनका समाधान किया कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अल्प है। काम के इसमें जो 4-5 घंटे हम लोग काम करते हैं, जो समाज में जाके झोपड़पट्टी में हम विकास कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, महिलाओं को पढ़ाते हैं, किशोरी वयन वय के गट के लड़कियों को पढ़ाते हैं, इतना महान कार्य है ना भारत देश, स्वच्छ भारत देश, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत वहीं से होगा जब झोपड़पट्टी में इसका विकास होगा। इसमें काम करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदन समाधानकारक मिलेगा, तभी वो स्वास्थ्यपूर्वक सर्व सेवाएँ योजना की सर्व सेवाएँ दे सकेंगी। यहाँ 6 प्रकल्प है, 2000 के ऊपर आंगनवाड़ी सेविकाएँ, 2000 मददनीश है। नागपुर शहर की बात बता रही, और ग्रामीण की अलग ही है। हमारी जो मांगनी है
हमारे जो इनको सरकार को ये करना है, बताना है कि तुम आते वक्त हमको वादे किए थे कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बहुत कम मानदान है, अभी हम आने के बाद वेतन श्रेणी देंगे। अभी 3 साल हो रहे, भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सब हवे के पुल बांध रहे, वो सपना की स्वप्न बता रहे, स्वप्न की पूर्ति नहीं हो रही है। आज संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून सर्व पक्षीय सर्व संघटनात्मक धनगर समाजाचा मेळावा महामोर्चा आयोजित केला आहे, हल्लाबोल मोर्चा आहे की धनगर समाजाची ही पारंपरिक मागणी आहे। स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आम्ही मागणी करतो आहोत की धनगर समाज हा ऑलरेडी आदिवासीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या सवलतीचा भागीदारी आहे, पण आतापर्यंत जेवढे सरकार आलेत की ते आरक्षण देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत, का टाळाटाळ करीत आहेत याचं आम्हाला गणित कळतं आहे, पण विषय असा आहे की महाराष्ट्राच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या अनुसूचीमध्ये धनगर शब्दाचा समावेश आहे, पण तीच दुरुस्ती सरकारने आतापर्यंत ते सरकार येऊन गेलेत यांनी त्या शब्द चुकीचा केलेला आहे, तर हा शब्द त्यांनी दुरुस्त करावा आणि जो केंद्र सरकारच्या अनुसूचीमध्ये अनुक्रमांक 36 वरचा जो धनगर शब्द आहे तो दुरुस्त करून धनगर करण्यात यावा अशी आमची प्रमुख मागणी आहे। धनगर समाज कोणतीही नवीन मागणी आरक्षणाची करीत नाही, आम्हाला ऑलरेडी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षण दिलेलं आहे, पण धनगर शब्द येऊन ते म्हणतात की धनगर वेगळा आहे, धनगर वेगळा आहे, पण महाराष्ट्रामध्ये अजूनपर्यंत जेवढाही सर्व झाला जेवढी माहिती झाली महाराष्ट्रात धनगर ही जमात कुठेही अस्तित्वात नाही, तीच धनगर जमात आहे। आमचं म्हणणं तेच आहे की महाराष्ट्रात जर का धनगर जमात नाही तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला कळवायचं आहे की महाराष्ट्रात कुठलेही धनगर जमात नसून ती धनगर आहे, अशा आशयाची मी शिफारस केंद्र सरकारला करीत आहोत आणि केंद्र सरकारने त्यावर निर्णय घेऊन, कारण संसदेला असा अधिकार आहे की कुठला शब्द दुरुस्त करण्याचा, तर त्याने धनगर शब्द दुरुस्त करून तो धनगर करण्यात यावा। आतापर्यंत केंद्र सरकारने असे अनेक शब्द दुरुस्त केलेले आहेत, जसे की लोहरा जातीचा शब्द दुरुस्त करून तो लोहार केलेला आहे, केरळमध्ये पुल्लनव जातीचा दुरुस्त करून ते पुल्लव केलेला आहे, म्हणजे असे अनेक शब्द त्यांनी दुरुस्त केलेले आहेत। आमची प्रमुख मागणी तीच आहे की जर का केंद्र सरकारच्या सूचीमध्ये धनगर शब्द आहे तो दुरुस्त करून धनगर करण्यात यावा, जेणेकरून आम्हाला एसटीच्या ज्या सवलती आम्हाला आपोआप लागू होतात, आम्ही नवीन आरक्षण मागत नाही आहेत, आमचं ऑलरेडी आरक्षण आहे, फक्त हा सगळा घोळ चालला आहे आणि हेतू पुरस्कार टाळाटाळ करीत आहोत। हमारी मागणी अंमलबजावणी आहे, जिस तरह से सरकार ने 2013 में और 14 में जो सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि भैया तुम्हारी पढ़ाई मैंने जो कर लिया, अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला था कि धनगर समाज के बारे में जो पढ़ाई मैंने किया हूँ हाँ, तो आने वाले सरकार में हमारी अगर सरकार आएंगी तो पहले कैबिनेट में हम तुमको आरक्षण देंगे, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी आज हमने धनगर समाज की वजह से हल्ला बोल मोर्चा का आयोजन किया है, जिस बारामती तालुका में पुणे डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री महोदय जो आज के मुख्यमंत्री है तब भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने 15 दिन में आरक्षण लागू करने का उन्होंने वचन दिया था, लेकिन आज 3-3.5 साल हो गए, हम हर साल विधान भवन पे मोर्चा लाते हैं लेकिन उनका सिर्फ समय निकालना और सिर्फ झूठे आश्वासन देने के बजाय उन्होंने कुछ भी नहीं धनगर समाज को दिया है। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से सवाल है कि अभी और आप 2 साल और लगाएंगे तो जिस तरह हमने आगाड़ी सरकार को सत्ता से नीचे बिठाया और भाजपा सरकार को सत्ता मिलाए, उसी तरह हम भाजपा सरकार को फिर से नीचे बिठा सकते हो और धनगर समाज इस आने वाली आगामी सरकार की तरफ से और आगे आने वाली इलेक्शन में निर्णायक भूमिका दर्शाएगी। 5 जूनी के अंतर्गत आने वाले गौना गांव के किसान सुधाकर घरडे ने अपने ही खेत में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान सुधाकर घरडे पर बैंक ऑफ बड़ौदा का 3 लाख का कर्जा था, इस साल के कपास की फसल बर्बाद होने से परेशानी में आत्महत्या कर ली। मेरे कोतवाल श्री टिल्लेकर इन्होंने फोन द्वारा जानकारी दी, मैं तुरंत इस गाँव में आया और काश्तकार सुधाकर किशन जी घारट इन्होंने मौजा गौना यहाँ पे इनकी ज़मीन से सर्वे नंबर 114 3.5 एकड़ ज़मीन थी वहाँ पे खेत के अंदर गाय बैलों का रहने की जगह कोठा ये वहाँ पे था। कल काश्तकार श्री सुधाकर किशन घारट इन्होंने अंदाजे 5.5-6 के दरमियान उस कोठे में फांसी लगाकर इनकी मृत्यु हो गई है। मैं यहाँ पे आके मौका पंचनामा मौका चौकसी ये मैंने
तुरंत आके आज किया है 11 बजे। मेरे माहिती के अनुसार मृतक किसान सुधाकर किशन जी घारट, इनको शासन के तरफ से 2 लाख रुपए मेरे नागपुर जिले में गए 15 दिन में ये चौथी आत्महत्या है, गए 24 घंटे में ये दूसरी आत्महत्या है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नागपुर के और पूरा महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल आज यहाँ नागपुर में अधिवेशन शुरू हुआ है, वो अधिवेशन भी पूरा मंत्रिमंडल नागपुर में, तो भी ये आत्महत्या पे शासन प्रशासन को एक मिनट का वक्त नहीं है कि यहाँ आत्महत्या जिसके यहाँ हुई उसको घर में जाके, आमदार खासदार तो छोड़ो, यहाँ का तहसीलदार भी सादा कर्मचारी यहाँ पे आके ये परिवार को मिला नहीं है। ये जो सुधाकर घारट नाम का किसान ने आत्महत्या किया है, इसके 6 महीने पहले इसी ने जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की। इन सबके पीछे वजह जो है, जो किसान के दिन जो अच्छे दिन करते करते वो जहाँ के वही है, 70 साल के इसमें ये पूरे एरिया में कोई भी किसानी की हालत बदली नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, उसके जो फसल निकल रही है उसको भरपावती भी नहीं मिल रही ना, उसको दाम भी नहीं मिल रही, वो किसान ने करेंगा क्या? उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी माँ बूढ़ी है, अब ये विधवा जो घर वाली है वो किसके भरोसे पर रहेंगी? सरकार ने इतना भी हमारा बलिदान और हमारी हत्या करने का अगर सोचा ही है तो सीधा ही बोल दो कि हम किसानों को मारना चाहते हैं, हम देख लेंगे कैसा। और हम ये आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहते कि किसान ने अभी उठने की जरूरत है, रास्ते पे आके लड़ने की जरूरत है, ना कि मरने की जरूरत है। आज अगर इसी तरह से सब अगर 30-35 साल के किसान आत्महत्या करने लगे तो ये देश का क्या हाल होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। अकोला के आकोट में विश्व विकलांग दिन पर धीरज कसाईत ने महाराष्ट्र के लिंगना पर्वत पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। धीरज कसाईत एक हाथ और एक पैर से विकलांग होने के बावजूद लिंगना पर्वत पर चढ़ाई की। धीरज कसाईत ने पिछले वर्ष 21 दिसंबर को कलसुबाई शिखर चढ़ा था। धीरज का परिवार गरीब है। धीरज ने इतने बड़े पराक्रमों के बावजूद सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। धीरज जन्म से ही एक हाथ से विकलांग थे। 2014 में धीरज का एक पैर मशीन में चले जाने से पैर भी काटना पड़ा। 3 दिसंबर 2014 में मेरा पैर कटा था और एक्सीडेंट होने की वजह से जिम में मेरा पैर कट गया। फिर मैं एक अकोला अपंग कार्यक्रम में गया था तो वहाँ मुझे पता चला एक लड़की एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, तो एक लड़की एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है तो फिर एक अपुन क्यों नहीं कर सकते। फिर एक दो दिन मैंने सोचने के बाद मैंने विचार करा, फिर एक वो मैं नागपुर गया। नागपुर में आउटवर्ड बोर्न करके एक संस्थान है, वहाँ मैंने बेसिक नॉलेज का एक ट्रेनिंग लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कैसा है वैसा है, तो मुझे बताया अशोक मुंडे ने कि तू कल सुबह करने के बाद मैंने आउटवर्ड बोर्न भारत में सुधीर मोरे से मैंने बहुत कुछ माहिती लिया। वहाँ से फिर आने के बाद मैंने अकोला में अजिंक्य एडवेंचर ग्रुप धनंजय भगत है उन्होंने मुझे हिंदवे परिवार की पावसाड़े मुहिम में भेजा और मैंने वो मुहिम करा पन्नाड़े पावनखिंड। उसके बाद मैंने रिटर्न आने के बाद 2 महीने के बाद लिंगाना किया। लिंगाना महाराष्ट्र का है। उसके बाद मुझे शिव राष्ट्र हैकर ग्रुप है वो कोल्हापुर का है और शिखर फाउंडेशन पुणे के और शिव राष्ट्र हैकर ग्रुप के अध्यक्ष है प्रशांत साड़ू के, उन्होंने मुझे भी खूब हेल्प की है। और नेक्स्ट टारगेट मेरा एवरेस्ट है और अभी एवरेस्ट के लिए चालू है मेरे प्रयत्न। और मेरे जैसे कुछ हैंडीकैप लोग हैं जो घर में है तो बाहर निकल के अपन जो कुछ कर सकते हैं तो कुछ करो, उन लोगों के जो पब्लिक है उनके सामने आने की कोशिश करो कि बताओ अपन भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। धीरज ये मेरा फ्रेंड है और हम काफ़ी 10वीं क्लास से हम एक ही क्लास में पढ़े हैं और 10वीं क्लास के बाद में धीरज ने उसकी थोड़ी जो कंडीशन ख़राब थी और उसने आगे का एजुकेशन वो कंटिन्यू नहीं कर सका और इस तरह वो फिर किसी मिल वगैरह में उसने काम पार्ट टाइम काम किया और बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी और कुछ वो अलग ही करना चाहता था, लेकिन इसी वजह उसके साथ में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ और उसमें उसका पहले तो उसके हाथों की कुछ उंगलियाँ तो नहीं थी और उसमें उसका पाँव भी चला गया। लेकिन कहते हैं कि जिसको दुनिया में कुछ नया करना है तो वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, वो पाँव हो या हाथ हो, उसी चीज़ को धीरज ने यहाँ पर करके दिखाया है और ज़माने को भी बताया है कि जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये धीरज मेरा दोस्त अभी इस दिशा में है और वो अभी कलसुबाई शिखर भी उसने सर किया हुआ है
और लिंगाना भी, अभी वो लिंगाना जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट जो है माना जाता है चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, वो भी उसने सर किया है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि उसका संघर्ष देख के कि वो एवरेस्ट भी उसके लिए कुछ ऐसी खास बात तो नहीं रहेंगे, और वो काफ़ी मेहनत भी कर रहा है इस चीज़ के अंदर। शुरुआत में जिस समय उसने मतलब ऐसा कुछ सोचा था कि मुझे चढ़ना है, और या फिर कुछ लोगों को या कुछ दोस्तों को बताया था, तो किसी का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, कि वो चढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन उसके अंदर उसके मन का जो बात देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये इसमें कुछ अलग है और उसने ये करना चाहिए। केंद्रीय सांसद कोर कमेटी सदस्य बसपा अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष जमाल सिद्दकी, इन्होंने सैलानी दरगाह पर सदिच्छा भेंट दी। स्थानिक मुजावर और अस्थाई समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठकर तीर्थस्थल के विकास पर तरीके निकालने को कहा। अल्पसंख्यक विभाग के संसदीय बोर्ड समिति के जो सदस्य है उन्होंने आज यहाँ पर धम्मगिरी बुद्ध विहार यहाँ पर भेंट दी है, तो जानते हैं उनसे कि किस तरह का अल्पसंख्यक आयोग में किस तरह का काम अभी आगे बढ़ने वाला है, और कौन कौन सी कौम इसमें आती है, और कौन कौन से लोगों के लिए इस विभाग में काम किया जाता है, जानते हैं सर से। सर जय भीम। जय भीम। आज मुझे धम्मगिरी बौद्ध विहार में आने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत सुकून की जगह है, और यहाँ आने के बाद मन शांत हो गया। ऐसे जो हमारे स्थान हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बौद्ध विहार हो, चाहे गिरजाघर हो, ये सब स्थान मन के शांति के लिए बनाए जाते हैं, और हमें जब मन विचित्र लगे तो ऐसे स्थानों पर आकर ईश्वर का ध्यान करके मन की शांति को प्राप्त करना चाहिए, वो मुझे आज यहाँ प्राप्त हुआ है। अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, पारसी समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग, यहूदी समाज के लोग, ये सभी समाज के लोग आते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के नेतृत्व में माननीय अल्पसंख्यक मंत्री विनोद ताड़ू जी के कुशल नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं उनके रोजगार के लिए, इनका किस प्रकार से चौमुखी विकास हो, महाराष्ट्र सरकार तेजी से काम कर रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कोर कमेटी के जो सदस्य है जमाल सिद्दीकी साहब, वो इस वक्त सैलानी इस दरगाह पर आए हुए हैं, और उनसे हम सीधा बातचीत करने वाले हैं, जहां पर सिद्दीकी साहब यहां पर बताया जा रहा है कि जो कमेटी है, यहां पर दो अध्यक्ष इस कमेटी के बताए जा रहे हैं, अपना अपना दावा यहां पर कर रहे हैं, और जो मुजावर है यहां के, उन मुजावरों का भी कुछ अलग से कहना है, तो किस तरह से ये मसला हल होगा इसके बारे में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज दादा पीर सैलानी के दरगाह में ज़ियारत का अवसर हासिल किया। मैं यहाँ पर सरकार से यही दुआ मांगा हूँ कि महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में अमन रहे, भाईचारा रहे, और जिस प्रकार से हिंदुस्तान पहले सभी मुल्कों का बादशाह था, जिस प्रकार हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे, वो मुकाम हासिल हो। मैं यहाँ पर आने के बाद ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से दादा सैलानी जी का नाम है, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं यहाँ पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस प्रकार से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर को और बाकी दरगाहों को पर्यटन स्थल के माध्यम से डेवलप किया गया है, यहाँ भी इसका डेवलपमेंट हो, और वो चाहे यहाँ के मुजावर कमेटी के लोग हों, चाहे यहाँ के ट्रस्ट कमेटी के लोग हों, ये सिर्फ सरकार की सेवा और सरकार के जो भक्त आते हैं उनकी सेवा के लिए हैं।
अगर ये मालिक बनकर लोगों को परेशान करने का काम कर रहे तो मुझे लगता है कि इनको भी अब सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार धर्म को मानने वाली सरकार है, ये सरकार धर्म में धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है और ये सरकार ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई करेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था महाराष्ट्र की तरफ से हो। महाराष्ट्र में पहली बार साइकिल चलाकर पर्यावरण जागरूकता निर्माण की जा रही है। प्रतिभा आहिरे और दिवेश आहिरे वर्ष 2010 से साइकिल चलाकर जनजागृति कर रहे हैं। इस वर्ष उनको यह कारवा 500 शालाओं में जाकर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे। 23 दिनों में 2300 किलोमीटर 19 शहरों में साइकिल चलाई जाएगी। हम 19 जिलों में घूम के साइकिल चलाओ पर्यावरण को बचाओ, और हर जिले में हर तालुका में साइकिल का ग्रुप होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल से प्रवास करें और बाइक को गुड बाय करें और साइकिल को अपनाए, यही संदेश देने के लिए हम कम से कम 2400 किलोमीटर और 24 देवस्थानों को भेंट दे के 50 स्कूलों में जाके 5000 स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाले कर रहे हैं। तो हमारा यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाए और मोटरसाइकिल को गुड बाय करें। हम 2010 से साइकिलिंग कर रहे हैं। राइड अक्रॉस महाराष्ट्र, ये रैली हमने 1 दिसंबर को शुरू की है। इस दौरान हमने वनी, चांदवड़, धुले, पहूर और राजूर गणपति, माहूरगढ़, वाशिम, माहूरगढ़, ऐसा करते हुए अभी आज हम नांदेड़ जा रहे हैं। अभी हम पूरा महाराष्ट्र में 19 जिलों में से जाने वाले हैं, उसमें 23 देवस्थानों को भेंट देने वाले हैं और 50 स्कूल हमें 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये संदेश देना है। पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, हेल्थ भी संभालो। साइकिल से बहुत फ़ायदे मिलते हैं और अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है, पर्यावरण का भी ह्रास कम होता है। 14 दिसंबर से 31 दिसंबर 2017 में होने वाले 6वें कोल्हापुर फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया है। महोत्सव का उद्घाटन निर्माता दिग्दर्शक सुभाष घईन के हाथों किया जाएगा। इस वर्ष काल महर्षि बाबूराव पेंटर पुरस्कार लेखिका दिग्दर्शक सुमित्रा भावे और चित्रतंत्र महर्षि आनंदराव पेंटर पुरस्कार कला दिग्दर्शक व निर्माता नितिन चंद्रकांत देसाई इनको देने की घोषणा संस्था के अध्यक्ष चंद्रकांत जोशी इन्होंने दी। चित्रपट महोत्सव 14 से 21 दिसंबर तक कोल्हापुर में संपन्न होने वाला है। ये महोत्सव महाराष्ट्र शासन ने पुरस्कृत किया है, कला महर्षि बाबूराव पेंटर फिल्म सोसाइटी और अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें 60 अनेकों देशों के चित्रपट, शॉर्ट फिल्म्स और मराठी फिल्म के कॉम्पिटिशन के बहुत से पिक्चर हैं, साथ साथ मार्गदर्शन पर मास्टर क्लास और इसका उद्घाटन करने वाले उद्घाटक माननीय सुभाष घई जी ये मास्टर क्लास भी ले रहे हैं और उनके हाथों इसका उद्घाटन होगा। गौरव पेंटर पुरस्कार मराठी फिल्मों की लेखिका और निर्देशिका सुमित्रा भावे इनको दिया जाता है और आनंदराव पेंटर पुरस्कार कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई इनको दिया जाता है। 14 से 21 तक ये होने वाला महोत्सव सब महाविद्यालय या युवा पीढ़ी के लिए तो आदरणीय है, तो युवा पीढ़ी ने इसका जितना हो सके उतना लाभ लेना मेरे ख्याल से जरूरी है।